तो दोस्तों आज के समय में रोज एक से एक मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो दोस्तों इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लें और कौन सा नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर 15,000 के बजट में आपके लिए तीन बेस्ट स्मार्टफोन कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों क्या था ना, पहले हम लोग एक शॉप में जाते थे, वहां देखते थे, दो तीन वेरिएंट देखते थे, क्वालिटी देखते थे, कंपनी के मोबाइल देखते थे कि हाँ हमको ये मोबाइल लेना है। बट दोस्तों अब समय बदल चुका, टाइम इज चेंज। अब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये वाला मोबाइल लेना है, ऑनलाइन खरीद लेते हैं या फिर दुकान में जाते हैं, भाई साहब ये मोबाइल है क्या, नहीं है, नहीं लेना है, किसी और शॉप से लेंगे या फिर ऑनलाइन लेंगे। अब समय बदल चुका है दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे गैजेट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारा पहला मोबाइल है सैमसंग M30। तो दोस्तों सैमसंग M30 March 9, 2019 को लॉन्च हुआ था। एंड दोस्तों सैमसंग M30 Zenos 7 Octa 7904 पे चलता है, एंड इसमें 4GB रैम दी गई है। एंड इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक। एंड दोस्तों इसकी पावर हाउस की बात की जाए तो इसमें आपको 5000mAh की जबरदस्त और धांसू बैटरी देखने को मिलती है, जो आपके मोबाइल एक्सपीरियंस को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। और दोस्तों बात की जाए इसके कैमरे की, तो कैमरे का तो क्या कहना। तो दोस्तों जो फर्स्ट कैमरा है दोस्तों वो 13 मेगापिक्सल का है, एंड सेकंड कैमरा वो 5 मेगापिक्सल का है। एक और 5 मेगापिक्सल कैमरा है जो अल्ट्रा वाइड एंगल वाला है। एंड सेल्फी की बात की जाए तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सुपर सेल्फी के लिए एक सुपर सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको डुअल नैनो सिम की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एंड ये मोबाइल एंड्रॉइड 9.0 पे काम करता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर हमारा है Realme का 3 Pro। तो दोस्तों इस मोबाइल की बात की जाए ना तो मैं लिटरली बताऊं कि इस मोबाइल की हाइप इतनी हुई थी कि इस मोबाइल की सोल्ड आउट 10-10 सेकेंड में Amazon पे, Flipkart पे हो जाती थी तुरंत के तुरंत। तो दोस्तों अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूं तो ये Realme 3 Pro एक नंबर की स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। अगर दोस्तों मैं बात करूंगा इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको 710 का स्नैपड्रैगन का फास्टेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। दोस्तों इसका कुछ और वेरिएंट है जो कि महंगे है, बट इसमें वीडियो में मैंने बात की है अंडर 15,000। तो अंडर 15,000 दोस्तों ये मोबाइल आता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों बात की जाए इसकी बैटरी की तो इसमें बैटरी आपको 4045mAh की देखने को मिलती है। और दोस्तों बात की जाने से कैमरा सेटअप की तो इसमें आपको सैमसंग M30 की तरह ट्रिपल कैमरा सेटअप तो देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि काफी बेटर होता है, जिसमें आपको फर्स्ट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है एंड सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। और बात की जाए दोस्तों इसकी सेल्फी की तो इसमें आपको मच फार बेटर देन अदर फोन 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपकी सेल्फी को काफी स्मूथ और रोमांचक बनाने वाला है। और ये मोबाइल दोस्तों कलर OS पे काम करता है, एंड इसमें एंड्रॉइड 9.0 Pie का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो इसका डिस्प्ले सैमसंग M30 की तरह तो नहीं है सुपर एमोलेड, एंड इसका डिस्प्ले है 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि सैमसंग M30 की तरह होना चाहिए अगर इस प्राइस रेंज में ये मोबाइल सुटेबल होता है तो। एनीवे दोस्तों आपको Realme 3 Pro एंड सैमसंग M30 मोबाइल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं अपने थर्ड फोन के बारे में, जिसका नाम है Redmi Note 7। तो दोस्तों MI का लवर कौन नहीं है, MI को कौन कौन नहीं जानता है। दोस्तों पहले मैं अपने लाइफ में पहला मोबाइल MI का लिया था, MI का Note 3, जो कि मैं अभी भी चला रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको एक एंटिक बात बताने वाला हूं। तो दोस्तों Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro ने 10 मिलियन सेल कर दिए हैं मात्र 129 डे में। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये नंबर काफी बड़ा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो दोस्तों बात की जाने इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड जो कि एंड्रॉइड 9.0 पर आधारित है। और दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए ना जिसमें आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले, और दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें आपको 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि Realme 3 Pro का ही डिस्प्ले है इसमें, और इसमें सेम डिस्प्ले दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं
इसके कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको तो पता ही होगा 48 मेगापिक्सल कैमरा, क्योंकि सबसे पहले 48 मेगापिक्सल कैमरा की जो हाइप बनाई थी वो Redmi Note 7 Pro ने ही बनाई थी। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एंड जो सेकेंडरी कैमरा एक और कैमरा दिया गया है रियर साइड में वो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात की जाए Redmi Note 7 Pro के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, एंड जो सेकेंडरी कैमरा रियर साइड में है वो एक 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, एंड सुपर सेल्फी के लिए इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और बात की जाए तो इसके पावर हाउस में, सॉरी दोस्तों, इसके बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4000 mAh की सुपर लियोन की बैटरी देखने को मिलती है जो कि क्विक चार्जिंग 4.0 पर को सपोर्ट करती है, बट टाइप सी इसमें नहीं है दोस्तों, मैग्नो यूएसबी है। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इन तीनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल सबसे बेस्ट लगा अंडर 15,000 मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ आप लोग कौन सा मोबाइल यूज करते हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों जब तक लिए टाटा बाय बाय।